यहाँ आगे एक पार्किंग के लिए रास्ता है अलग। वैसे तो जब यात्रा सीज़न होता है, ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो इधर उधर ही यहीं रोक दिया जाता है, लोगों को आगे नहीं जाने दिया जाता है। अब दो तीन चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। कल्तांग गली जाएँ, नेलांग वैली जाएँ, या मुखबाई चले जाएँ डायरेक्ट, वो देखते हैं और जैसा भी होगा आपको इस एपिसोड में दिखाएंगे। फ़िलहाल गंगोत्री धाम से हम लोग वापस निकल गए हैं, तो इस एपिसोड को भी पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। लाइव अपडेट हमारी देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। विंटर गंगोत्री टूर की बाकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। लास्ट वीडियो में हमने आपको पूरा गंगोत्री धाम घुमाया था और घर बैठे आपको गंगोत्री धाम में दर्शन करने का मौका मिला। तो अभी निकल चुके हैं हम लोग और गर्तांग गली जाने के बारे में सोच रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं आगे। और नेलांग वैली भी है वैसे यहाँ जाने के लिए, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि नवंबर तक ही वहाँ पर जाने की परमिशन दी जाती है, उसके बाद परमिशन नहीं होती है। और अब दिसंबर में हम लोग यहाँ मौजूद हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है नेलांग वैली और गर्तांग गली जाने की, वो हम आगे आपको दिखाएंगे इस एपिसोड में। फिलहाल आप यहाँ के खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे देखिए। जहाँ तक बात है टूरिस्ट की, तो विंटर में टूरिस्ट नहीं है, इक्का दुक्का लोग यहाँ पर आ रहे हैं, या तो कुछ लोग यहाँ के कुछ लोकल हैं जो यहाँ घूमने आ रहे हैं। अदरवाइज़ अगर देखें तो मैदानी इलाकों से टूरिस्ट यहाँ पर नहीं है। बाकी आप रोड पर ही देख रहे होंगे कि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। गंगोत्री धाम में हमने आपको दिखाया था लास्ट एपिसोड में, वहाँ भी आपने देखा था सारे ढाबे होटल रेस्टोरेंट सब बंद थे, कोई सुविधाएं नहीं थी, सिर्फ एक दुकान खुली हुई थी जहाँ पर सिर्फ चाय और मैगी मिल रहा था, और टूरिस्ट भी नहीं थे। मंदिर के पास सिर्फ एक पुजारी बाबा मौजूद थे। विंटर में यहाँ फैसिलिटी नहीं रहती है कुछ भी। अगर आप आते हैं तो आइए, एक दो घंटा रुकिए और वापस रिटर्न हो जाइए निचले इलाकों की तरफ, चाहे तो हर्षिल रुक जाइए, चाहे दराली निकल रुक जाइए, या फिर आप उत्तरकाशी पहुंच जाइए। लेकिन व्यूज़ के मामले में ये जगह अल्टीमेट है। खूबसूरत व्यूज़ आप देखना चाहते हैं, नेचर के साथ रहना चाहते हैं, तो गंगोत्री धाम की तरफ आप आ सकते हैं। गर्मियों के सीज़न में आएंगे तो यहाँ सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएंगी जो एक टूरिस्ट एक्सपेक्ट करता है। सभी तरह का वेजिटेरियन फूड भी कुछ ढाबों पर मिल जाएगा। पहाड़ों से ना अभी भी यहाँ पत्थर टूट टूट कर नीचे रोड पर गिर रहे हैं, और जब से ये रोड चौड़े हुए हैं तब से ये दिक्कत बढ़ी है, क्योंकि पहाड़ कमज़ोर हो चुके हैं टूटने के कारण, रोड को चौड़ा करने के कारण, जो पहाड़ों को तोड़ा गया है उसकी वजह से कुछ पहाड़ कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन रोड बहुत बढ़िया बन गए हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी फास्ट गंगोत्री धाम तक पहुँच सकते हैं। हर्षिल से गंगोत्री पहुंचने में मात्र 45 मिनट से लेकर एक घंटा लगता है, बाकी आपकी स्पीड पर निर्भर करता है, आप कितनी जगह रास्तों में रुकते हुए चलते हैं उस पर निर्भर करता है। मेरा मानना ये है कि आप ज़्यादा टाइम लेकर जाइए और रास्तों में रास्तों के नज़ारों को देखते चलिए, रुकते चलिए, तो टूरिंग एक्सपीरियंस आपका शानदार रहेगा। हम लोग तो ऐसा ही करते हैं, नहीं तो आप चाहें तो आधा घंटा 45 मिनट में भी हर्षिल से गंगोत्री पहुंच जाएंगे। इस तरह के रोड यहाँ बन चुके हैं। आज धूप नहीं निकली है, 12 बज रहे हैं इस वक्त, सुबह से ही आसमान में घने घने बादल छाए हुए हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारी विंटर गंगोत्री टूर के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो सारे एपिसोड आप शुरू से देखिए, आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे इस टूर को। और हमारी लाइव अपडेट देखना चाहते हैं कि हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। भैरव घाटी आने वाला है, 1 किलोमीटर है, और यहाँ से ही कल्तांग गली और नेलांग वैली के लिए रास्ता डाइवर्ट होता है। थोड़ी देर में हम उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां से नेलांग वैली जाने का रास्ता डाइवर्ट होता है।
नेलोंग वैली उत्तराखंड की एक खूबसूरत वैली है जिसे उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। कुछ इस तरह के व्यूज वहाँ देखने के लिए मिलते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या विंटर में हम वहाँ जा पाएंगे या नहीं, वो हम उस पॉइंट पर पहुँचने के बाद आपको दिखाएंगे। देख लो रोड पर कैसे पत्थर पड़े हुए हैं, ये पहाड़ों से अभी गिरे हैं। ये आ गया है वो पॉइंट जहाँ से नेलांग घाटी के लिए रास्ता डाइवर्ट होता है। अभी नीचे उतरते हैं और पूछते हैं यहाँ से रास्ते। ये रास्ता जाता है नेलोंग घाटी के लिए और इधर गंगोत्री धाम, इधर बाकी सारे आपके उत्तरकाशी और चंबा। क्या नेलोंग भी बंद होगी 30 नवंबर? वही वाली बात, ठीक है। ओके, वो मैं बोल ही रहा था 30 नवंबर तक ही रहता है नेलोंग घाटी के लिए भी। आप 30 नवंबर तक ही जा सकते हैं। अब कब खुलेंगे? अप्रैल में अब दोबारा ये रास्ते खुल पाएंगे। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना सामने, ये आपको लेकर जाएगा नेलोंग घाटी के लिए। और ये एक सीक्रेट रास्ता है अगर आप कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना चाहते हैं। हालांकि नेलोंग घाटी LAC के बहुत करीब है और चाइना ने भी काफ़ी बार कोशिश किया है इसको अपने कब्जे में लेने की। हालांकि अब ये पॉसिबल नहीं है। और इसी रास्ते से भारत तिब्बत के बीच व्यापार भी हुआ करता था। तो फिलहाल हम नेलोंग घाटी में भी नहीं जा पाएंगे। गर्मियों में अगर आप लोग आते हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। ये है वो रास्ता नेलोंग घाटी जाने के लिए। इधर उत्तरकाशी और चंबा और इधर है गंगोत्री धाम। ये देखिए आपने, ये है ब्लैक आइस जो रोड पर जमी हुई है। भैरव घाटी हम लोग पहुंच गए हैं। भैरव घाटी में भैरव बाबा के डॉगी को बिस्कुट खिला रहे हैं। यह है पूरी भैरव घाटी। फिलहाल यहाँ सारे होटल बंद हैं। यहाँ प्राचीन भैरव मंदिर भी मौजूद है, इसीलिए इसको भैरव घाटी नाम दिया गया है। बाबा काली कमली का यहाँ पे यात्री निवास भी मौजूद है। यह है पूरा भैरव घाटी। यह है यहाँ का प्राचीन भैरव मंदिर। भैरव घाटी के बाद एक लोहे का पुल आएगा जो लंका ब्रिज के नाम से जाना जाता है। देखिए वो पुल आ गया है। और ठीक इस लंका ब्रिज को जैसे ही हम पार करेंगे तो यहाँ से राइट हैंड पर गलतांग गली जाने का रास्ता है, टिकट काउंटर है। वहाँ चलते हैं, वहाँ आपको दिखाते हैं कि गलतांग गली जाने का क्या प्रोसीजर है, क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, कैसे आप वहाँ जा सकते हैं। चलिए गाड़ी साइड में लगाते हैं और उसके बाद आपको यहाँ की फुल इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप कैसे जा सकते हैं। ये है लंका ब्रिज और यहाँ है गर्तांग गली। भैरव घाटी जाते वक्त या गंगोत्री जाते वक्त भैरव घाटी से थोड़ा पहले ही है। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये है गर्तांग गली का स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर ट्रैक के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि एक बार में अधिकतम 10 लोग चल सकते हैं और आपस में 1 मीटर की दूरी बनाकर। इस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं ये है भैरव घाटी के पास मौजूद भैरव घाटी ब्रिज, जिसको लंका ब्रिज के नाम से जाना जाता है, उसके पास में मौजूद है। यहाँ से ये वाला रास्ता जाता है गर्तांग गली के लिए। एंट्री टिकट यहाँ पर भारतीय नागरिकों के लिए 150 रुपये और विदेशी नागरिकों के लिए 600 रुपये एंट्री टिकट है। और एक बार में ब्रिज पर सिर्फ 10 लोग ही चल सकते हैं, इसकी लिमिट है। और ब्रिज पर ज़्यादा उछल कूद करना, डांस करना, वो सब वर्जित है। ये जो पॉइंट है ये टूरिस्ट की नज़र से बहुत ख़ास पॉइंट है। लकड़ी का यहाँ पर एक पुल बनाया गया है जिस पर टूरिस्ट चलते हैं। और पहले पुराने समय में भारत और तिब्बत के बीच व्यापार भी इसी रास्ते से हुआ करता था, लेकिन बहुत पहले ही इस रास्ते को बंद कर दिया गया और टूरिस्ट की आवाजाही भी इस रास्ते पर बंद कर दी गई। काफ़ी समय बंद रहने के बाद एक बार फिर से टूरिस्ट के लिए गर्तांग गली को खोल दिया गया है। गर्मियों में आप यहां पर जा सकते हैं। फिलहाल यहां पर ताला लगा हुआ है।
यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि सभी पर्यटकों को सूचित किया जाता है कि गर्तांग गली गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी को पर्यटकों के लिए शीतकाल में बंद कर दिया गया है। अब वापस ये गर्मियों में खुलेगा। ये पूरा क्षेत्र गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है और बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन अभी शीतकाल की वजह से इसको बंद कर दिया गया है। अप्रैल में इसको दोबारा खोला जाएगा, तब आप चाहें तो गंगोत्री धाम जाते वक्त इस ट्रैक को भी कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये जगह है। व्यूज़ देखिए आप, यहाँ से ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं गंगोत्री के खतरनाक और खूबसूरत रास्ते। ये रास्ते देखिए आप, यहाँ देखिए व्यू जबरदस्त नज़ारे हैं। एकदम पतला सा रोड, सुंदर सा रोड, और ये बराबर में ऊंचे ऊंचे सफ़ेद रंग के पहाड़, और इधर डीप वैली जिसमें भागीरथी नदी फ्लो कर रही है। हर्षिल 13 किलोमीटर रह गया यहाँ से, और हम अब धराली रुकेंगे। धराली से मुखबा गांव जाने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। बाकी आपको इस वीडियो में, इस एपिसोड में आगे देखने के लिए मिलेगा कि आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। फिलहाल तो आप ये खूबसूरत खूबसूरत व्यूज़ देखते रहिए, यहाँ के शानदार अल्टीमेट नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए। हमारे राइट हैंड पर भागीरथी नदी ना इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही है। हरा हरा पानी बहुत शानदार लग रहा है। धराली हम लोग पहुंचने वाले हैं, और ऊपर जो विलेज देख रहे हैं आप वो मुखबा है, उधर ही हम लोगों को जाना है अभी। फाइनली धराली में हम लोगों की एंट्री हो रही है। धराली में देखते हैं कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। मुखबा के लिए रास्ता शायद पैदल ही निकलना होगा हमें। ये है धराली। उधर लगा दो, यहाँ गाड़ी साइड में लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे हमें मुखबा जाना है। यह है जी पूरा धराली गांव। यहाँ कुछ होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे बने हुए हैं रुकने के लिए, लेकिन अमूमन मोस्टली बंद है। चलिए मुखबा गांव के लिए यहाँ पे थोड़ा जानकारी लेते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या मोटरेबल रोड है या नहीं, आपको बताएंगे, या फिर पैदल ही रास्ता है। बंद है रोड, बंद है, पैदल का रास्ता है। चलो आराम आराम से निकल देंगे। तो मुखबा के लिए तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त टेम्परेचर बहुत लो है, ठंड बहुत तेज है। यहाँ लोगों ने अलाव जलाए हुए हैं, तो हम भी यहाँ हाथ थोड़े गर्म करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, और यहाँ मौजूद एक मंदिर में भी चलेंगे। यह प्राचीन कल्प केदार मंदिर जाने के लिए रास्ता जो धराली में मौजूद है वहीं चल रहे हैं पहले। धराली में ही मौजूद है कल्प केदार मंदिर, अभी हम वहीं जा रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे मुखबा गांव, जहां हम गंगोत्री धाम के दर्शन करेंगे। सेब के? हाँ। ये सब सेब के बाग। हाँ, इधर अभी है नहीं वैसे कुछ ना, कुछ नहीं। कटिंग हो रही है उनकी, सब जैसे सब नाई करते हैं कटिंग, सब सब खत्म हो गया। इस बार तो बहुत बड़ा हो जाए। अभी हम कल्प केदार मंदिर पहुंच गए हैं। ये है कल्प केदार मुख्य मंदिर जो धराली में स्थित है। इस वक्त धराली में कल्प केदार मंदिर के बाहर खड़े हैं, और बहुत प्राचीन ये मंदिर है। पहले यहाँ 340 मंदिर थे, लेकिन बाढ़ आने की वजह से काफ़ी मंदिर बह गए, और अब ये एक मंदिर बचा है। खुदाई हुई जी, खुदाई हुई, खुदाई 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 में मिला है ये। खुदाई में गहराई में है ये, काफ़ी गहराई में आप देख रहे होंगे, क्यों खुदाई होने के बाद ही ये मंदिर मिला है। इस मंदिर का नाम है कल्प केदार। मैं यहाँ भी कहूँ
अच्छा प्लेन किया। अब कहाँ है मंदिर? वो अलोप हो गया, ये नदी आई उसने बहा के ले गया, नदी में बह गए। अब ये मंदिर बचा है। इस मंदिर भीम ने बनाई है। भीम ने बनाया। चलिए मंदिर में चल रहे हैं दर्शन करने। यार चलिए मंदिर में चलते हैं। ये गहराई में है क्योंकि ये खुदाई में प्राप्त। चलिए जी। अभी आ गए हम कल्प केदार मंदिर में। बहुत पुराना है। आप देख रहे होंगे। ये आप देख रहे होंगे कि मंदिर में नीचे यहाँ पानी भरा हुआ है और ठीक उस जगह वहाँ पर शिवलिंग है, वहाँ नहीं जाया जा सकता है क्योंकि अब वहाँ काफ़ी पानी भर चुका है और ये मंदिर भी खुदाई के बाद ही मिला था, तो ये पानी काफ़ी गहरा है, वहाँ नहीं जाया जा सकता है। चलिए मंदिर की परिक्रमा करते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है ये, भीम ने इस मंदिर का निर्माण किया था। सन 1935 से सन 1938 के बीच में यहाँ भारी मात्रा में बाढ़ आई, ग्लेशियर टूटे, जिस वजह से ये मंदिर पूरी तरह से बर्फ में और पानी में डूब गया था। उसके बाद जब खुदाई हुई तो ये मंदिर यहाँ दिखाई दिया। आज भी इस मंदिर का करीब 9 से 10 फीट हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। वहाँ बराबर में भागीरथी नदी आज भी बह रही है। मान्यता है कि हर साल सावन के महीने में भागीरथी नदी का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि वो इस मंदिर तक आ पहुंचता है और मंदिर के निचले हिस्से में मौजूद भोले बाबा की शिवलिंग गंगा जल से स्नान कर लेती है। मंदिर बहुत खूबसूरत है और मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। 5 पांडवों में से भीम ने मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर के पास से आपको भागीरथी नदी का एक खूबसूरत व्यू दिखाते हैं। ये देखिए भागीरथी नदी का एक खूबसूरत व्यू और वहाँ ऊपर मुखबा गांव मौजूद है और ये पूरा गांव सामने धराली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाते रहे। तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपको यहाँ से मुखबा लेकर चलेंगे जहाँ हम आपको गंगोत्री मैया के दर्शन कराएंगे। सर्दियों में मुखबा गाँव में ही गंगोत्री धाम के दर्शन किए जाते हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड भी जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।